अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नमाज किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको देखी चिकन जो है वो बनाना जो है वो बता रही हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होंगे, आप देखें, इसमें चिकन है, आपके जो चिकन लिया मैंने 3 से 4 प्याज है छोटी छोटी काट के मैंने रख ली है। उसके बाद इसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है, कोरमा मसाला है और थोड़ा सा गर्म मसाला। इसमें चंद पीसेज जो है वो काली मिर्च के हैं, लौंग है और साथ में थोड़ा सा जीरा है। 5 मैंने छोटे टमाटर साइज़ के टमाटर लिए हैं और 5 से 6 जो है हरी मिर्च है। और सबसे पहले हम जो है अपना प्याज जो है इसको हम ऑयल में डालेंगे और इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो लाइट ब्राउन बल के करेंगे इसको, क्योंकि मैंने इसको ग्राइंड करना बाद में। देखिए व्यूअर्स, हमारा प्याज जो लाइट ब्राउन हो चुका है, इसको हम डिश में निकाल देंगे। व्यूअर्स देखिए, मैंने प्याज जो है वो निकाल लिया। अब इसमें मैं टमाटर जो है ना वो कट करके डालूंगी, अपना मसाला जो है ग्राइंड करने के लिए हमने रेडी करना है। ग्रीन चिली जो है इसमें हम कट करेंगे। टमाटर मैंने काट लिए। थोड़ी सी दही ली थी वो भी इसमें ऐड कर लूँगी मैं। और इसको अब मैंने ग्राइंड कर लेना है। मैं ग्राइंड करके तो अब आपको इसका पेस्ट जो है वो दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने जो ऑयल में से हमने प्याज जो है ब्राउन करके निकाल लिया था, अब इसमें मैंने चिकन जो है वो ऐड कर देना। व्यूअर्स, इसमें हम फ्राई करने के लिए हल्का सा नमक डालेंगे पहले, उसके बाद मैं इसमें गरम मसाला जो है वो ऐड कर दूंगी। और ये हल्दी है कि मैंने थोड़ी सी डालनी है बिल्कुल। इसमें काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, हल्की सी करनी होगी तो आप कर सकते हैं। इसको अब हम अच्छे तरीके से फ्राई जो है वो कर लेंगे कि जैसे रोस्ट की हुई बोटी होती है ना, उस तरह की इसका जो है ना लुक आ जाएगी। देखिए व्यूअर्स, ये फ्राई हो रहा है चिकन हमारा। ये देखिए, अब इसका हल्दी वगैरह डालने की वजह से हड्डियाँ जो वाइट वाइट नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी येलोइश कलर में हो गई है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से जो है अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसकी ये लुक आ रही है। अभी इसको 5 मिनट और मैंने फ्राई करना है बोटियों को। व्यूअर्स, ये देखिए हमारा चिकन जो है फ्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। इसकी लुक जो है बिल्कुल चेंज हो गई है और पानी भी जो है अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो ग्राइंड जब हम मसाले करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से पेस्ट बना हुआ है इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि ये ऑयल में अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई हो जाएगा, तो उसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे तो मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा दही डाल के अपनी ये जो मसाला है इसको ग्राइंड कर लिए। और जब हमारा चिकन में अच्छे तरीके से लहसुन जो है वो अपनी स्मेल ख़त्म कर देगा और अच्छे तरीके से उसमें फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये अपना तैयार किया हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। ये 1-2 मिनट और लगेगा इसको थोड़ा सा और ना फ्राई कर देंगे ताकि इसमें अभी हल्की हल्की स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाए। व्यूअर्स, ये मसाला जो मैंने ग्राइंड किया था अब इसके अंदर डालूंगी, क्योंकि लहसुन जो है इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, ऑयल छोड़ दिया चिकन ने फिर से, और ये मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, ये मसाला जो है इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें स्पाइसेस डालेंगे हम अपना, जितने भी हैं, ये नमक है, लाल मिर्च है, और हल्दी है। इनको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। और ये मैंने थोड़ा सा कोरमा मसाला रखा था, ये ऐड करेंगे इसमें। इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। देखिए व्यूअर्स, हमारा कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी, और इसने ऑयल जो है छोड़ दिया चिकन ने, और अच्छे तरीके से इसका जो है ना मिक्सअप होके तैयार हो गया ये।
और इसके बाद अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूवर्स हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें, कमेंट बॉक्स में बताया करें, क्योंकि इसके पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत जो है वो होती है। आपको पता है कि हर काम जो है वो आसानी से नहीं हो जाता, तो मैं इसको आपको डिश आउट करके अब दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, हमारा देखिए स्टाइल कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। आप देखें इसकी लुक जो है वो कैसी लग रही है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई नई रेसिपी अगर आपको चाहिए तो उसको भी हम बना के आपको दिखाएंगे। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।